भारत में भी कुछ जगहों पर नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में देर रात शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल और लेबनान युद्ध से जुड़ी हुई हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। भारत में भी कुछ जगहों पर नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतरे। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर पाकिस्तान में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक की बात की जाए तो पुलिस पर पथराव भी हुआ है। और इधर इजराइल ने यमन पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ बमबाजी की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। चाहे वो भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, हर तरफ हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। सड़कों पर जो है लोग उतरे हैं हजारों की संख्या में। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको जम्मू कश्मीर और लखनऊ की दिखा रहे हैं। बात की जाए तो प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी की। मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया गया। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया है। और इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की कराची में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ अचानक हिंसक हो गई, जिसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इससे नाराज होकर लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। यहाँ तक की बात की जाए तो जो पीडीपी के चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा दिया। 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में जितनी भी पीडीपी की चुनावी रैली थी सभी को स्थगित कर दिया है। और इसी को लेकर भारत में भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का भी इस पर बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने हसन नसरुल्लाह की मौत पर क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको उमर अब्दुल्ला को सुनवाते हैं, सुनिए। जावेद जी, हाँ हाँ, क्या उमर साहब, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है, उसको लेकर के महबूबा जी का बयान है, उन्होंने पूरी कैंपेन कैंसिल कर दी है आज की। जब मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, हम तो वैसे भी इजरायल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इसराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इसराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। ठीक है लगातार बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के अलायंस पर बात की जा रही है, जो इनका एजेंडा है वो यहाँ पर हालातों को खराब करने के लिए रखा गया है। हालात खराब तो इन्होंने किए, जम्मू में अगर आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर चला है, जम्मू के हर इलाके में आज कहीं ना कहीं आपको हमलों की खबर आती है, चाहे चिनाब हो, पीर पंचाल हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम
उमर अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि दुनिया भर के देशों को इजराइल पर दबाव बनाकर, चाहे वो लेबनान हो या फिर फिलिस्तीन हो, वहां पर जो है शांति स्थापित करनी चाहिए। लेकिन बात की जाए तो ये लगातार जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ कराची में अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ने लगी थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती। इस रैली को पाकिस्तान का शिया इस्लामिक राजनीतिक संगठन मजलिस वहदत ए मुस्लिमीन लीड कर रहा था। MWM ने कहा कि उनकी भीड़ शांतिपूर्वक थी। कराची पुलिस ने कहा कि रैली अपने तय रास्ते से अलग होकर अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ने लगी, जिसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह की हत्या के विरोध में पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में भी रैलियां निकाली गई। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 105 लोगों की मौत हुई है, 359 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें दक्षिणी लेबनान में हुई है, जहां पर 48 लोग मारे गए। बेका घाटी में 33 लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर भले ही जो हिजबुल्लाह का चीफ है नसरल्लाह, उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का लेबनान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। कल भी जो है रविवार को भी लेबनान में इजरायली हमले हुए, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 105 लोग मारे गए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बयान जारी कर बताया है 359 लोग घायल भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा मौतें दक्षिणी लेबनान में हुई है, जहाँ पर 48 लोग मारे गए। बेका घाटी में 33 लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर नसरल्लाह की मौत पर इस समय जो भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर, वो भी सुलगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।